हेलो शूटर, आज की इस वीडियो में हम सुपर ओलंपिक शूटिंग फ्रेम के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि शूटर ओलंपिक शूटिंग फ्रेम को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि जब तक हम सुपर ओलंपियो फ्रेम को विद आयरिस नहीं लगाते हैं तो शूटर को किस तरह की इमेज नज़र आती है और सुपर ओलंपियो फ्रेम लगाने के बाद किस टाइप की इमेज नज़र आएगी, पहले इन दोनों को डिफरेंस को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब तक हम फ्रेम को यूज़ नहीं करते, मतलब नॉर्मली बच्चा शूटिंग कर रहा है नॉर्मल आई ब्लाइंडर के साथ, तो उसको किस तरह से, उसको किस टाइप से जो है इमेज नज़र आती है, हमारे पास ये टारगेट होता है, ठीक है, और ये ब्लैक वाला सर्कल है हमारे पास और इसके नीचे हमारी टिप्स आ जाती हैं जो फ्रंट टिप है। तो इसमें क्या होता है कि अगर तो टिप हमारी इसके नीचे आ रही है, टारगेट में ब्लैक सर्कल के नीचे टिप आ रही है और तीनों टिपों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हमारा शॉट बिल्कुल ठीक जाता है। ये तो कंडीशन होगी जब हम फ्रेम का यूज़ नहीं कर रहे हैं विदाउट आईरिस, ठीक है जी, तो हमारे शॉट ठीक जाते हैं। लेकिन अब जब हम विद आईरिस इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास पांच इमेज बनती है। अब उन पांच इमेज को कौन सी इमेज हमें ठीक ठीक वाली इमेज है जो हमें नज़र आनी चाहिए तो जिसके कारण हमारे शॉट ठीक जाएंगे, आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड है कि हमें सुपर ओलंपियो फ्रेम की वहां पे जरूरत पड़ती है। अब जब शूटर आईरिस लगा के फ्रेम का इस्तेमाल करता है तो आईरिस के साथ हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, ये वाली इमेज बनती है, ये हमारा टारगेट हो जाता है, टारगेट के अंदर ब्लैक सर्कल है और नीचे हमारी टिप्स हैं और पूरा जो सर्कल है हमारे पास जो आइरिस का, वो बाहर की तरफ चारों तरफ से इक्वल नजर आएगा। अगर तो ये वाली इमेज बनती है तब तो बिल्कुल ठीक है, हमारे शॉट बिल्कुल ठीक जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके अलावा जो सी इमेज बनेगी, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये वाली इमेज, ये सेकेंड नंबर की इमेज है, कि हमारा टारगेट ये ठीक है, टिप हमारी बिल्कुल ठीक है वहां पे आई हुई, लेकिन जो सर्कल है वो इस साइड को हो गया, मतलब हमारा लेफ्ट साइड को हो गया, तो जो शॉट भी है वो हमारा लेफ्ट साइड को ही जाएगा। अगर इस साइड को हो जाएगा तो शॉट भी हमारे लेफ्ट साइड को ही जाएंगे, चाहे, अब इसमें ध्यान रखिए, रिमेंबर कि चाहे इसके अंदर ये पहले वाली कंडीशन है, जो सी ये वाली पहले वाली जो कंडीशन है हमारी वो बिल्कुल ठीक हो कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक देख रहा था, मेरे ब्लैक के नीचे बिल्कुल इक्वल थी जो टिप, लेकिन मेरा जो शॉट है वो दूसरी तरफ चला गया लेफ्ट में, वो इसलिए चला गया क्योंकि आईरिस का जो सर्कल है वो इस साइड था। अब प्रॉब्लम क्या आती है शूटर को कि शूटर बोलता है कि सर इससे अच्छा तो हम बिना आईरिस के ही ठीक थे, कि प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें तो सर्कल नहीं हमें मैच करना पड़ता था, यहाँ पे दो ही कंडीशन थी कि सिर्फ ब्लैक के नीचे टिप को रखो और शॉट चला दो, शॉट ठीक जाता था। आपने तो ये आइरिस के साथ और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। लेकिन आइरिस लगाने से क्या होगा कि आपके सारे शॉट एक ही में से जाएंगे, इसमें सारे के सारे शॉट आपके एक ही जगह से जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। तो इसलिए शूटर को ये ध्यान रखना है कि आईरिस लगाने के बाद अगर हमें इस टाइप से नजर आ रहा है तो ये वाली पोजीशन भी गलत है, और अगर इस साइड को भी सर्कल बन रहा है, और चाहे बेशक टिप बिल्कुल ठीक है जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सर्कल इस साइड को है तो ये पोजीशन भी गलत है। अब एक पोजीशन ये भी बनती है हमारे पास कि सर्कल ऊपर की तरफ को ज्यादा बनता है तो ये पोजीशन भी गलत है, और एक सर्कल बनता है हमारे पास नीचे की तरफ तो ये वाली पोजीशन भी गलत है। और इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे शूटर बिल्कुल टारगेट के नीचे जो टिप्स हैं उसकी, ब्लैक सर्कल नीचे जो एमिंग करता था वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सर्कल दाएं बाएं लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे होगा तो उसके शॉट बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो इन सब चीज को दूर करने के लिए कि हमारा जो सर्कल है बिल्कुल ठीक बने तो हम सुपर ओलंपियो फ्रेम का यूज करते हैं। अब शूटर को यह तो समझ आ गया कि हमारे पास ये वाली कंडीशन बननी चाहिए। अब जब शूटर मान लीजिए कि सुपर ओलंपियो फ्रेम को यूज नहीं कर रहा, सिंपल फ्रेम को यूज कर रहा है, सिंपल फ्रेम में क्या होता है कि हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प के साथ है, जो सा जो हमारे पास आईरिस है या कुछ भी है उसको हमें दाएं बाएं करना पड़ता है या ऊपर नीचे करना पड़ता है, और कई बार उसमें एडजस्टमेंट भी नहीं होती। अब जो ये सुपर ओलंपियो फ्रेम है,
सुपर ओलंपियो फ्रेम में अगर बच्चा मैच के अंदर भी खड़ा है और उसकी इमेज इस टाइप से नहीं बन रही है जो से हमें चाहिए, तो वो विदाउट स्क्रू इसको लेफ्ट राइट भी कर सकता है। ये देखिए आप, विदाउट स्क्रू वो खड़े खड़े इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे कर सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकता है। अगर इधर से भी कई बार हमें डबल टारगेट नजर आता है, तो डबल टारगेट आपको पता ही है कि अगर हमें इस साइड से दिखेगा तो हमें डबल टारगेट नजर आता है, ठीक है, तो इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर फ्रेम साथ चिपका हुआ है तो यहां से भी आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे खोल सकते हैं इसको। तो ये इसलिए फ्रेम की हमें जरूरत पड़ती है ताकि हमारी जो ये जो फर्स्ट इमेज है वो एग्जैक्ट बन सके, क्योंकि हम अगर उसको बार बार उतार के पेचकस के साथ करेंगे, स्क्रू ड्राइवर के साथ करेंगे, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए सुपर ओलंपियो फ्रेम को मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट देता हूँ कि इसमें जो इतनी भी एडजस्टमेंट है आप विदाउट स्क्रू ड्राइवर उसको यूज कर सकते हैं और आपका आईरिस बिल्कुल सही जगह पे आ जाएगा। क्योंकि अगर आपकी इमेज ही सही जगह पे नहीं बनेगी तो आपका शॉट वो सही नहीं जाएगा, चाहे शूटर जितना मर्जी उसको ठीक देख रहा हो। थैंक यू।